कुंडलिनी में आकर्षण शक्ति है और वह आकर्षण जिस साधक को आकर्षक शक्ति भर देती है साधक में, इसलिए इसके साधकों को साधना करो। साधना करने से आप माँ ममतामय है और साधक के ऊपर परम प्रसन्न हो जाती है और परम प्रसन्न होकर के उसे अपना दुधमुहा बच्चा समझती है। दुधमुहा बच्चा समझ करके उसे उसके पास में जितनी भी सिद्धियां है वो दुग्धपान की तरह उसे दे देती है और उसे सिद्धिवान बना देती है। इसलिए आपको इसकी साधना करनी चाहिए। हमारे शरीर में मेरुदंड है, इस मेरुदंड के अंदर तीन नसें हैं जो स्नायु कहलाते, सूक्ष्म स्नायु है। वो सूक्ष्म स्नायु में इस माँ का शक्ति प्रवाह प्रवाहित होता है और जो है जो इस शक्ति प्रवाह से सबसे नीचे जो है वो कुंडल मूलाधार कहलाता, सुषुम्ना का सबसे नीचे का भाग जिसमें जो है सूक्ष्म नौ के बराबर छेद होता है और वो जो सुषुम्ना का मुंह एक त्रिकोणाकार आकृति होती है जिसे कंद कहते हैं, स्वयं वो लिंग कहते हैं, कुंड कहते हैं। वो उस स्वयं वो लिंग के ऊपर 3.5 फेरे खा करके बिल्कुल शक्त निशंक सोई हुई रहती है और उसके मुख में उसकी पूंछ है। लेकिन कहते हैं कि हमारे शरीर में जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं को एकत्रित कर लिया जाए और उनको एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित किया जाए तो उसके अंदर इतनी शक्ति और इतनी गति प्राप्त हो जाती है कि उन परमाणुओं को एकत्र करके मूलाधार के स्वाधिष्ठान मणिपुर के अंदर जो है उसको प्रवाहित करने से वो कुंडली स्वयंलिंग के जाग जाती है, उसके मुख में से पूंछ निकल जाती है और वो क्या करती है, सुषुम्ना का जो छेद है वो इसमें सुषुम्ना में भी तीन नाड़ियां अलग अलग खोखले भाग में ब्लो की तरह होती है, जैसे सुषुम्ना चितना चित्रा वज्रा विरजा ब्रह्मनाड़ी, उस ब्रह्मनाड़ी के ऊपर जो एकदम जागृत ये प्राण तत्व है, इसमें प्राण शक्ति है, इसको कहते हैं ये प्राणाग्नि है। ये प्राणाग्नि किस में रमण करने लग जाती है सुषुम्ना, ब्रह्म नाड़ी में। कौन से नाड़ी में, ब्रह्म नाड़ी में रमण करने लग जाती है और ब्रह्म नाड़ी में रमण करती हुई षट चक्रों को, कितने चक्रों को, षट चक्र कौन कौन से हैं इस सूक्ष्म शरीर में, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध अज्ञचक्र, ये तो मेरुदंड के अंदर है लेकिन ये दो चक्र अलग हैं, आज्ञा चक्र और सहस्रार ये ऊपर हैं। ये चक्रों को पार करके मातेश्वरी कुंडलिनी, कुंडली क्यों कहते हैं, वो 3.5 फेरे खा कर कहते हैं इसलिए कुंडली कहते हैं और फिर वो कुंडली सीधी षट चक्रों को कहते हैं पार करती और पार करके सप्त चक्र का जो ये सहस्रार है, इस सहस्रार को शास्त्रों में कैलाश कहते, क्या कहते हैं, कैलाश। कैलाश के ऊपर किसका निवास है, अरे कैलाश के ऊपर ब्रह्म शिव का निवास है, वैष्णव जन उसे जो है परम ब्रह्म कहते हैं और उनका निवास कुंडली उनके पास पहुंच जाते। अरे आप जानते हो कोई पत्नी बहुत दिनों के बाद वियोग के बाद जब सारी बाधाओं को पार करिए चक्रवर्ती बाधाएं सबको पार करके रूपी राजपथ से चल करके जब वो इसमें पहुंची, कोई भी पत्नी अपने पति के पास पहुंचती है वियोग के बाद कितने प्रसन्न चित्त हो जाती, उसका रो रो रोमांचित हो जाता है, उसके नेत्रों से आनंद आंसू प्रवाहित हो जाते हैं। उसी प्रकार माँ कुंडली जब भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत में सहस्रार में पहुंचती है तो नाचने लगती है, प्रमोदित हो जाती है और प्रमोदित हो क्या है कैलाश पर्वत क्या, देखो इसकी मैं उपमा बताता हूँ। ये जो है जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्र होता नहीं चांदनी, वैसे है ये चिन्मय मणिदीप कहलाता है, चित आनंद का समुद्र है, महान महान जहाँ जाने पर
साधक के वहां पहुंचने पर सारी वृत्तियां काम क्रोध मद लोभ विप्रय संकल्प विकल्प निद्रा स्मृति ये सारी वृत्तियां नष्ट हो जाती, सारी कामनाएं खत्म हो जाती, वैराग्य हो जाती, वैराग्य से ऊपर परवैराग्य हो जाता और परवैराग्य से ऊपर ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय ये भी नष्ट हो जाते। केवल ध्येय ध्यान धारणा और समाधि ये तीन चीजें योगा अष्ट अंग है ना योग के, कौन से अष्ट अंग है योग के, देखो ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि ये पांच तो है योग, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये तो बाहरी साधन है लेकिन ध्यान धारणा और समाधि अंतरंग साधन होते हैं और इन तीनों को मिलाते हैं तब संयम होता है। क्या होता है? और संयम जब करते हैं तो समाधि लगती है और समाधि लगती है तो कुंडली तो बाहर ना, ये क्या समाधि लगने का बाद किसको लगती है समाधि? अरे जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है उसको पहले पांच प्रकार चार प्रकार की समाधि लग जाती है, वितर्क विचारानंद और अस्मिता। वितक का मतलब पंचभूत में ही विषय कहाओ ध्यान करो उस विषय जो है उसे सवितर कहते हैं, और काल देश और इससे अलग होकर के पंचभूत के स्वरूप है। पंचभूत कौन कौन से हैं यह बताया ना मैंने, अग्नि तत्व जल तत्व, ये अग्नि तत्व पहला पृथ्वी तत्व दूसरा जल तत्व तीसरा पृथ्वी तत्व चौथा वायु तत्व और पांचवा आकाश, इनके सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान का विषय हो वो सवितर्क वितर्क निवितर्क कहलाता, और इनके रूप रस गंध आदि पंच जो है तन्मात्रा इनका ध्यान का विषय हो, अस्मित आनंद के अंदर अहंकार का विषय हो, अस्मिता के अंदर अहंकार के सत्व स्थित का विषय हो, विधि है प्रकृति ये सब समाधि इसमें आ जाती है। यहाँ जब कुंडली यहाँ पहुंचती है तो सारी समाधियां आकर के एक ही ध्येय रहता है, कौन सा ध्येय? परम परमात्मा शिव का शिवत्व में वो शिवत्व रूप बन जाती है और जो है उनसे मिल करके वापस उसका स्थान तो मूलाधार में वापस। शीघ्र ही मैंने कल एक मंत्र भी बताया फिर बता देता, होम 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 उससे जागृत किया जा सकता। ऐसे पंजों के ऊपर खड़े हो जाओ, हाथ को यहाँ कर दो और हम 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 मंत्र और कुंडली जागृत हो जाएगी, मूलाधार को पार करके स्वाधिष्ठान को पार करके मणिपुर को पार करके अनाहत को पार करके विश्व को पार करके आज्ञा चक्र पार करके यहाँ पहुंचाए। लेकिन भाई शास्त्रों में क्या, हमारा भी तो अनुभव है, हम आज 50 साल के कुंडली जागृत कर रहे हैं, यहाँ से शीघ्र ही एक सेकंड के अंदर उसको वापस नीचे उतार देते। उसका मंत्र है एम रेम श्रेम एम रेम श्रेम, सीधे उसको नीचे उतार देते हैं और वह आराम करती है। और योग ये सो षटचक्र भेदन करती है, वो तो प्रत्येक चक्र में अलग अलग सिद्धियां देती, मूलाधार में अलग सिद्धि देती, स्वाधिष्ठान में अलग सिद्धि देती, मणिपुर में अलग सिद्धि देती, अनाहत में अलग सिद्धि देती, विशुद्ध में इसमें, और यहाँ पर आने पर उसे मोक्ष मिल जाता है। साधक को सहस्रार में जब जाता है सब उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और बिलोर के समान उसका चित्त हो जाता है, और चित्त उसके अंदर किसमें कुंडली का चित्त जिस प्रकार शिव में रमण करने लग जाता है उस प्रकार साधक का चित्त भी शिव में रमण करने लग जाता है और शिवत्वमय बन जाता, किसके समान बन जाता, शिवत्वमय बन जाता है और वह शिव में लीन हो जाता है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन अगर समाधि बताए ना, निर्बीज, निर्बीज का मतलब जैसे एक बीज होता है, उसको बीज को आप जला देते और फिर वो बीज को बोलते क्या वृक्ष फूटेगा क्या, अंकुर फूटेगा क्या, नहीं फूटेगा। उसी प्रकार इस शरीर में कुंडली माता की प्रार्थना करता है साधक, उसके शरीर में अनेक प्रकार के बीज हैं, चित्त में बीज में लिखे हुए हैं, छिपे हुए हैं, ये जब साधक साधना करता है तो ये ऊपर उठ जाते हैं, उसको एकाग्रता नहीं होने देते हैं,
जब एकाग्रता नहीं, मन एकाग्र नहीं होगा तो कुंडली जागरण होगी क्या? नहीं होगी ना। और कुंडली जागरण जब हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा, और उसके जो चित्तवृत्ति उड़ती बिल्कुल झड़ जाए, नीचे चित्त में बैठ जाएगी, और उसको कहते हैं रितंबरा तत्र प्रज्ञा। पंतजलि सूत्र में लिखा हुआ समाधि में, सूत्र में रितंबरा तत्र प्रज्ञा, रित मन सत्य भरा हुआ, रित मन सत्य, भरा मन भरा हुआ, जिसमें समाधि में सत्य भरा हुआ है वो रितंबरा तत्र प्रज्ञा होता है। और उसमें उसके बाद में जिसका ध्यान भगवान में लग जाता है और वो परम समाधि उसको लग जाती है, उसे बोलिए। मैं अब कल जो है आगे की चीजें बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।